हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यह वीडियो हमने प्रैक्टिस पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया है। इसमें हमने टोटल 10 सेंटेंस को सॉल्व कराया है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि शुरुआत में मिल जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हैड लगेगी, और हैड के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर रेस्ट पार्ट है तो वो आगे लिखेंगे। तो इतना ही यूज़ करना है। और रूल की बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सभी के साथ हमें हैड का प्रयोग करना है। तो चलिए इसमें पहला सेंटेंस बना के देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वह 8 बजे से पूर्व नहा चुका था। तो वह है इसमें सब्जेक्ट, तो इसके लिए ही यूज करेंगे। ही मीन्स होता है वह। ही यहाँ पर हैड लिखेंगे, हैड। अब नहा चुका था तो यहाँ पर टेकन वॉथ हो जाएगा, टेकन वॉथ, BATH। और 8 बजे से है तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर मीन्स होता है पहले। एट की लिखेंगे EIGHT, कंप्लीट। अगला है एग्जाम्पल, उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। उसने की ही यूज करेंगे। ही हैड, इसमें सभी हैड लगेगा। पहले ही की लिखेंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी। और वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी देना, तो यहाँ पर वार्न्ड लिखेंगे, WARNED। तो वार्न्ड मी, मुझे है तो मी हो जाएगा, कंप्लीट। सीता 6 बजने से पूर्व सो चुकी थी। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, तो यहाँ पर सीता की हो जाएगी SITA, सीता। हैड स्लीप मीन्स सोना होता है, सिलेप्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, SLEPET, PT होता है सिलेप्ट। बिफोर मीन्स पहले, और सिक्स मीन्स 6 होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट है चौथा एग्जांपल, वह अजमेर जा चुकी थी। वह के लिखेंगे सी मीन्स वह होता है, हैड। गो मीन्स जाना, यहाँ पर गॉन हो जाएगी, टू अजमेर, AJ और MER, अजमेर। फिफ्थ है एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जयपुर 10 साल पहले गई थी। मैं के लिखेंगे आई, हैड, विजिट, या फिर गई थी गॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विजिटेड लिखेंगे, विजिटेड जयपुर, जयपुर 10 ईयर बिफोर, YEARS बिफोर, पहले गई थी। नेक्स्ट है सिक्स वाला, राहुल एक किताब लिख चुका था। सब्जेक्ट है राहुल, तो यहाँ पर राहुल की हो जाएगी, राहुल हैड। लिख चुका था रिटेन, तो WRITEN, रिटेन। एक बुक, तो ये किताब हो जाएगा, ए बुक, कंप्लीट। अगला सातवां एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर सातवां एग्जाम्पल लिखा है दादाजी कहानी सुना चुके थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है दादाजी, तो इसका हो जाएगा ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर द ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड फादर, ये सब्जेक्ट लिखा, इसमें हैड लगेगा, हैड। सुनाना की टेल, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगी, और स्टोरी STORY, कंप्लीट। आठवां है तुम सब डिनर खा चुके थे या डिनर ले चुके थे, तो यहाँ पर तुम सब की लिखेंगे यू आल, सब डिनर खा चुके थे, मतलब पहले ही डिनर ले चुके थे, हैड लगाएंगे, और टेकन डिनर, TAKEN, टेकन, और डिनर की होती है DINNER, डिनर मीन्स रात भोजन।
नमा है, मैं उसे पहले ही जानती थी। मैं के लिखेंगे आई हैड ऑलरेडी, पहले की ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी नो मीन्स जानना, यहाँ पर नोन हो जाएगा, के एन ओ डब्ल्यू एन नोन, ये थर्ड फॉर्म होती है, उसे जानती थी तो हेम हो जाएगा। दसवां एग्जाम्पल यहाँ पर है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था, तो सी मीन्स वह होता है, सी हैड उसने बता दिया था, हैड ऑलरेडी और टोल्ड मी, मुझे बताया था तो टोल्ड मी हो जाएगा, और अबाउट यू उसके बारे में या तुम्हारे बारे में, तो यहाँ पर अबाउट यू हो जाएगा, अबाउट यू। तो इस तरह से 10 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।